रोप हीरो की केटीएम चलाने का मजा ही कुछ और है। रोप हीरो की केटीएम लेकर आज मूवी देखने जाता हूँ। थिएटर वाले केटीएम मेरे पास देखेंगे ना तो सोचेंगे कोई अमीर बंदा आ गया है और क्या पता फ्री में टिकट मिल जाए। इसको यहीं पर ही पार कर देता हूँ। ओ आज तो थिएटर ही बंद है। और ये बंदे कौन है? ये तो किडनैपिंग की बात कर रहे हैं। इनकी बात छुपकर सुनता हूँ। कहीं ये किडनैपर तो नहीं? कहीं ये किसी को किडनैप करने तो नहीं आए? अरे ग्रैनी, आज का डिनर तो बहुत टेस्टी होने वाला है। आज हम लोग एक बच्चे को खाएंगे। ये तो किसी बच्चे को खाने की बात कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये किसी को किडनैप तो नहीं कर रहे? चलो बच्चे हमारे साथ, आज तो हम बिना नमक लगाए डिनर करेंगे। ग्रैन इसको अंदर डालो, जल्दी से किवाड़ बंद करो वैन के, और ड्राइवर तुम भी वैन भगाओ जल्दी से। अरे बाप रे, इन्होंने तो छोटी बच्ची को किडनैप कर लिया। अब पता नहीं ये इसके साथ क्या करेंगे। अब जल्दी से रोपिरो को जाकर बता देता हूँ कि एक बुड्ढे और बुढ़िया ने एक बच्ची को किडनैप कर लिया है। वो बुड्ढे और बुढ़िया पता नहीं उस बेचारी बच्ची के साथ में क्या क्या करेंगे। रोप हीरो, तुम्हें पता है लॉस सैंटोस में भी एक बुड्ढे और एक बुढ़िया आई थी? वो एक छोटी बच्ची को किडनैप करके ले गए। वो दोनों उसको डिनर में खाने की बात कर रहे थे। इसका मतलब लॉस सैंटोस के अंदर वो ग्रैनी और ग्रैंडपा फिर से आ गए। वो ना जाने कितने मासूम लोगों को खा जाते हैं। अरे रोप हीरो, अब तक के तो वो दोनों उस बच्ची को बहुत दूर ले गए होंगे। अब पता नहीं उसके साथ में वो लोग क्या कर रहे होंगे, बेचारी छोटी बच्ची। टिप्सन, अभी ये वक्त सोचने का नहीं है। हमें रात होने से पहले पहले उस बच्ची को बचाना होगा, वरना रात होते ही वो ग्रैंडपा उस बच्ची को मार डालेगा। जल्दी से एक काम कर, फटाफट से केटीएम पर बैठ, हम लोग यहाँ से जंगल में चलते हैं उस बच्ची को बचाने के लिए। रोप हीरो, तुम बाइक इतनी तेज क्यों चला रहे हो? मुझे तेज बाइक पर डर लगता है। अगर मैंने बाइक धीरे चलाई तो वो लोग पता नहीं कितनी आगे निकल जाएंगे, फिर हम लोग उस बच्ची को कभी नहीं बचा पाएंगे, इसलिए मैं ये तेज बाइक चला रहा हूँ। मैंने केटीएम बाइक इसीलिए तो चोरी की थी क्योंकि ये केटीएम बाइक बहुत तेज चलती है। अच्छा हाँ, ये भी बात है, अगर वो लोग आगे निकल गए तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब शाम के 4 बज चुके हैं, अंधेरा भी होने वाला है। रोप हीरो जल्दी करो। हाँ यार टिप्सन, वो ग्रैनी और ग्रैंडपा तो हमसे बहुत दूर निकल चुके हैं, जंगल में पहुंच चुके होंगे अब तक के वो। तो गाइस अभी फिलहाल मैं भी जंगल में आ चुका हूँ और इस जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो बाइक के हेडलैम्प्स ऑन कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है, मैंने अपनी बाइक की लाइट जला ली है। और गाइस अब जो टाइम हो रहा है ना वो 7 बज रहे हैं। यहाँ पर देखो ये जंगल यार बहुत ज़्यादा भयानक है, यहीं पर ही रहते हैं वो ग्रैनी और ग्रैंडपा। ओए भाई साहब, पेड़ के ऊपर इस लड़की को किसने टांग दिया? और यहाँ पर आदमी मरा पड़ा है एक। अरे रोप हीरो, आगे से मैं एक बंदा मारने के लिए आ रहा है, इसको तो मैं भी सबक सिखाता हूँ। अच्छा हुआ टिप्सन तू अपनी गन उठा लाया। ये लोग रात को जंगल में क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे मारने के लिए आ रहा है। मार टिप्सन इसको, मार, छोड़ना मत इसको। और यहाँ पर देखो भाई, पेड़ के ऊपर कितने सारे आदमी लटके हुए हैं। ये फिर से बच गया, छोड़ना मत इसको। और एक टिप्सन ये रहा, एक बंदा ये रहा, इसको मार, मार डाल इसको यहाँ पर। गाइस यार जंगल के अंदर तो बहुत सारे बंदे हैं। यहाँ पर क्या रखा है इस टेबल पर? ओ भाई मीट रखा है यहाँ पर, तो किसी बंदे का कटा हुआ मीट, और ऊपर एक लड़की को लटका रखा है और एक बंदा येरा छुप रहा है। अच्छा हुआ टिप्सन ने इसको भी मार दिया, लेकिन ये फिर से उठ गया। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को मैं मारता हूँ। मार टिप्सन जल्दी से इसको, छोड़ना मत, कर इसके ऊपर फायरिंग, छोड़ना मत इसको बिल्कुल भी। ये लोग बच्ची को किडनैप करते हैं और उसको बाद में मिल बांट के खा जाते हैं। अब यार मुझे जल्दी से जल्दी उस बच्ची को ढूंढना पड़ेगा। जल्दी फटाफट बैठ टिप्सन गाड़ी पर, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। भाई ये जगह तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस बच्ची को बचाऊं, जल्दी से आप लोग यार वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। रोप हीरो बाइक थोड़ी आगे लेना, देख यहाँ पर एक बंदा और मरा पड़ा है। अरे हाँ टिप्सन, ओ माय गॉड, इस बंदे को भी यहाँ पर मार डाला। ये तो एक टैक्सी ड्राइवर था ना, ये शायद इस जंगल में अपनी टैक्सी लेकर जा रहा होगा। पहले तो इस बंदे को लूटा और फिर इसको मारकर यहाँ पर डाल दिया। हाँ रोप हीरो, तुमने बिल्कुल सही कहा, पहले इस बंदे को लूटा होगा फिर बाद में इसको यहीं पर ही मारकर डाल दिया। बहुत खतरनाक है ये बंदे। हाँ टिप्सन वो तो है। अरे रोप हीरो, मुझे कुछ दिखाई दिया, उधर को बाइक लेना, इसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ये साले किडनैपर्स यहाँ पर रातों को जंगल में घूम रहे हैं। अरे रोप हीरो, ये तो एक लड़की है ना? अरे टिप्सन, ये लड़की देखने में नहीं लगती कि ये किडनैपर होगी, लेकिन ये लड़की किडनैपर है। अरे टिप्सन ये तो उठ गई, इसको मार। अरे भाई ये तो मेरे को कुल्हाड़ी से काट रही है, मार इसको टिप्सन, मार, छोड़ना मत इसको। तेरी ऐसी की तैसी किडनैपर लड़की, भाई साहब यही ऐसी लड़की किडनैप करती हैं। चल टिप्सन फटाफट से गाड़ी पर बैठ, इसको तो हमने मार दिया। भाई उठ गई वो, मार टिप्सन इसको। चलो भाई टिप्सन ने उसको मार दिया। यार हम लोग इतने खतरनाक जंगल में, और ये वैन मतलब बस कैसे टूटी हुई है। आगे एक कार और खड़ी है और यहाँ पर भी बंदे होंगे। टिप्सन आ जल्दी से मेरे साथ आ, इस ट्रक के अंदर तो कोई नहीं है, ये ट्रक तो खाली है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। यहाँ पर होगा शायद, इसके पीछे इधर तो कोई ना कोई होगा, अंदर जाकर देखता हूँ मैं यहाँ पर। ओ भाई एक किडनैपर ये खड़ा रात को यहाँ पर, ये क्या कर रहा है? तेरी ऐसी की तैसी,
भाई साहब ये तो हमको कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन इससे पहले ही हम लोगों को कुछ कह, इसकी ऐसी की तैसी, इसको मार डालते हम लोग यहीं पर ही। चल बेटा ऐसी की तैसी तेरी। गाइस हम लोगों ने इस किडनैपर को भी मार दिया। चल टिप्सन अब मेरे साथ आ, हम लोग ग्रैनी और ग्रैंडपा को ढूंढते हैं। चला जा फटाफट से हम लोग गाड़ी पर बैठते हैं। इस जंगल के अंदर तो जंगली जानवर भी होंगे, कहीं वो हमारे ऊपर अटैक ना करते। टिप्सन जल्दी बैठ यार गाड़ी पर, टाइम मत बर्बाद कर यार, हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कहीं उन्होंने उस बच्ची को मार दिया तो हम लोग फिर क्या करेंगे टिप्सन, बता तू खुद ही। चलो गाइस अभी हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं और मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दिया। ये क्या चीज़ है भाई? ये शेर तो नहीं है? शेर हुआ तो हम लोग गए भाई। ओहो चलो बच गए हम लोग। ये तो एक हिरन है, भाग गई। रो फिरो, वहाँ पर नदी के किनारे मुझे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। अपनी बाइक जरा उधर ही लेना, वहीं पर चलते हैं उसके पास। वो कौन है? वो तो मेरे को किडनैपर नहीं लगता। देखते हैं कौन है ये। इसके ऊपर लाइट मारता हूँ पहले तो मैं। इतनी रात को तू इस जंगल में क्या कर रहा है? यहाँ पर तो किडनैपर्स रहते हैं। ओ गाइस हमने इस बंदे को समझने में गलती कर दी। ये बंदा भी एक किडनैपर है, इसने देखा मुझे भी कैसे धक्का दिया और बता भी नहीं रहा है। मार टिप्सन इसको, छोड़ना मत, इसका टकला फोड़ दे। तो यहाँ पर इस बंदे को भी टिप्सन ने मार डाला। भाई साहब हमें तो लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा किडनैपर है। चलो गाइस कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से फिर से निकलते हैं। यार इस जंगल के अंदर तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और अब तक ग्रैनी और ग्रैंडपा का कोई पता नहीं है। पता नहीं यार वो बेचारी बच्ची भी ठीक होगी या फिर नहीं। टिप्सन तुझे यहाँ पर कोई दिखाई दिया क्या? मुझे तो नहीं दिखा। ओ भाई मुझे यहाँ पर गाइस एक केव मिली, हम लोग इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखो इसके अंदर जाने का एक रास्ता है। चलो अपनी KTM बाइक इसके अंदर को डालते हैं, ये तोड़ते हैं जाल। बैठ टिप्सन फटाफट से गाड़ी पर। टिप्सन बाइक को थोड़ा टाइट करके पकड़ ले, अब मैं इस पर बहुत जोर की टक्कर मारने वाला हूँ और ये टूट जाएगा, तो टिप्सन तैयार हो जा। और ये क्या हो गया भाई, हम लोग कहाँ पर आकर गिर गए? जैसे मैंने उस केव को तोड़ने की कोशिश की तो हम लोग यहाँ पर आकर गिर गए। और यहाँ पर सामने मेरे को एक घर दिखाई दे रहा है, शायद यही मेरे को ग्रैनी और ग्रैंडपा का घर लगता है। देखो ये वाला घर, इतने गहरे जंगल में और यहाँ पर जानवर भी घूम रहे हैं। तो टिप्सन बॉस तुम एक काम करो, तुम इतना यहीं पर ही खड़े रहो, मैं घर के अंदर जाता हूँ, तुम बाहर से देखते रहना। तो मैं घर के अंदर तो आ गया, अब मैं आराम आराम से चलता हूँ इसके अंदर और आराम के साथ यहाँ पर छिप जाता हूँ। यहाँ पर छिप छिप के देखता हूँ कोई है तो नहीं। भाई पक्का इस घर के अंदर बहुत सारे किडनैपर्स होंगे क्योंकि ये घर बीच जंगल में है। यहाँ पर छिप कर देखता हूँ मैं, कोई आ रहा है यहाँ पर? मेरे को किसी की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, यहाँ पर कोई है? चलो धीरे धीरे चलते हैं, इसी तरह से चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। एक काम करता हूँ मैं, जल्दी से इसके पीछे जाकर छिप जाता हूँ। भाई मुझे यहाँ पर बहुत तेज़ से आवाज़ आ रही है बंदों की, ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं। और कुछ बंदे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ पूजा वगैरह टाइप कर रहे हैं, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है जो भी कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ आ रही है गाइस सच में। तो यहाँ पर छिप छिप कर देखता हूँ मैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। तो इसके अंदर जाकर देखता हूँ सामने, यहाँ पर कौन है? मेरे को आवाज़ तो आ रही है अंदर से, यहाँ पर बैठ कर देखता हूँ। ओ यहाँ पर तो ग्रैनी है, इसका मतलब मैं सही जगह पर आ चुका हूँ। अगर मैंने यहाँ पर हलचल की तो इस ग्रैनी को पता चल जाएगा कि मैं इसके घर के अंदर हूँ। अब बस मैं जल्दी से जल्दी उस बच्ची को ढूंढता हूँ। और इस रूम के अंदर यहाँ पर ये किस किस की फ़ोटो लग रही है? ये शायद उन बंदों की फ़ोटो लग रही है जिनको ग्रैनी और ग्रैंडपा ने मार दिया है। और इस टेबल पर देखो केले का कितना सड़ा हुआ छिक्कल रखा है, और ये एक सड़ा हुआ चूहा मरा पड़ा है यहाँ पर। भाई पता नहीं कैसा कैसा खाना खाते हैं ये ग्रैनी और ग्रैंडपा। देखो यहाँ पर भी ये चूहे फिर रहे हैं, ये बैठा एक चूहा। कितना खतरनाक घर है भाई, ये तो बाहर जाने का रास्ता है। ओ भाई 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 एक बंदे ने मेरे को देख लिया यहाँ पर, इसकी ऐसी की तैसी। इससे पहले ये बाकी बंदों को बुलाया, इसको यहीं पर ही मार डालता हूँ मैं। ये ले इसको मारता हूँ यहाँ पर, तेरी ऐसी की तैसी। तुम लोग किडनैपर्स यहाँ पर करने के आए हो? ओ गायब हो गई वो, तो एकदम सी गायब हो गई वो। कहाँ पर गई? किधर गई? कहीं मेरे को पीछे से तो नहीं मारेगी? नहीं यहाँ पर तो नहीं है। चलो जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं, एक किडनैपर हो रहा है ऊपर से आ रहा है आराम के साथ। तेरी ऐसी की तैसी, तू भी चल यहाँ से। मतलब बच्चों को किडनैप करके लेके आते हो तुम? हाँ अब पाला पड़ा है ना तुम्हारा मेरे से। चलो गाइस ये तो उठ रही है, भाई साहब मर नहीं रही है ये। भाई साहब पता नहीं कैसे किडनैपर्स हैं ये, इनकी ऐसी थी तैसी। और गाइस अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आगे बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? तो ये ग्रैनी और ग्रैंडपा का बाथरूम है, यहाँ पर तो नहीं है वो बच्ची। यहाँ पर टॉर्च जला कर देखता हूँ, कोई भी नहीं है। आगे चलता हूँ, आगे बहुत सारे रूम लगते हैं मेरे को इस घर के अंदर। तो इस रूम के अंदर तो पक्का होगी बच्ची, नहीं है इस रूम के अंदर भी। वैसे इस रूम के अंदर भी बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं, हम लोगों को कुछ नहीं लेना फ़ोटो से। इस रूम के अंदर तो पक्का होगी,
नहीं है यहाँ पर भी, ना तो मेरे को ग्रैंडपा दिख रहा है और ना ही वो बच्ची। वो इसका मतलब बच्ची ग्रैंडपा के पास होगी थी, ठीक है। यहाँ पर तो अंदर जाने का कोई सीक्रेट रूम है, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है और ये भी भाई वायर वायर जा रहे हैं किसी चीज़ के, और वहाँ पर आगे वॉशिंग मशीन रखी हुई है। अब बस आगे एक सामने वाला रूम और है, और आप लोग देख सकते हो 8:30 बज चुके हैं। इस रूम के अंदर और देखता हूँ, यहाँ पर गेट के पीछे छुप जाता हूँ। ओ गाइस, यहाँ पर देखो ये बैठे वो ग्रैंडपा, और ये कर क्या रहा है यहाँ पर। बच्चे तू टेंशन ना ले, ग्रैनी आती होगी और हम दोनों तुझे डिनर में खा जाएंगे बिना नमक लगाए। ओ ओ गाइस, ग्रैंडपा ने तो मुझे यहाँ पर देख लिया। मैं तो सोच रहा था आज हम लोगों को डिनर आधा आधा खाना पड़ेगा, लेकिन दूसरा शिकार तो फ्री में ही आ गया। ग्रैंडपा बुड्ढे कहेंगे तुझे शर्म नहीं आती बच्चों को किडनैप करते हुए, और मुझे भी किडनैप करने की बात कर रहा है, तेरा टकला फोड़ दूंगा मैं। और ये बैठी बेचारी बच्ची, इसको कुछ हुआ तो नहीं भाई साहब? अभी तक तो इन्होंने इस बच्ची को कुछ नहीं किया, बस अब मैं सबको यहाँ पर मारकर इस बच्ची को बचा लेता हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ग्रैंडपा टकले तेरा गंजा फाड़ता हूँ मैं यहाँ पर, तुम्हें किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और यहाँ पर अब ग्रैनी आ गई तो भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, उठ तेरे चेहरे पर टॉर्च मार मार के मारूंगा तुझे मैं, आ जा। ओ भाई भाई, ये तो मेरे पेट में बोतल मार देगा, तेरी ऐसी की तैसी, ये ले। बुड्ढे कहीं के किडनैपर यार। ओ ओ ओ भाई, नहीं ये नहीं नहीं, बहुत तेज से लगी भाई वो बोतल। और ये पीछे से गन कौन छोड़ रहा है मेरे ऊपर से, तेरी ऐसी की तैसी, पहले तुझे ही बताता हूँ मैं। सालो किडनैपर्स, ये लो भाई साहब, अगर ग्रैनी को आवाज़ पहुँच गई फिर तो मेरे लिए यहाँ पर डबल मुसीबत हो जाएगी, फिर मुझे इस गंजे टकले बुड्ढे को भी मारना पड़ेगा और उस सड़ैल सी चुड़ैल बुढ़िया को भी। ओ भाई भाई, बड़ी खतरनाक तरीके से मार रहा है ये तो भाई पक्का बहुत खतरनाक किडनैपर है ये तो, मेरे ऊपर देखो कितने खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा है, लेकिन आज मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये लोग हर साल लॉस सैंटोस से जाने कितने हजार लोगों को किडनैप कर लेते हैं और उनकी किडनियां बेच देते हैं और उनको मारकर खा जाते हैं। भाई साहब बहुत खतरनाक है ये बंदे, ये ले बेटा। गाइस ये तो उठ गया, तेरी ऐसी की तैसी, एक और किडनैपर, तेरी ऐसी की तैसी, तू भी चल यहाँ से। भाई साहब बुड्ढा ये अपने हाथों में, ओ भाई भाई ग्रैनी भी आ गई यहाँ पर। अब तो भाई साहब, अब तो भाई जान बचानी मुश्किल पड़ जाएगी मुझे यहाँ पर, खतरा मोल ले लिया मैंने। ओ भाई पीछे से अटैक कर रही है ग्रैनी, इससे बड़े तो यार मैं अपने साथ टिप्सन बॉस को भी ले आया था। भाई भाई अब मैं अकेला, और ये दो ये इधर से मार रही है और वो बुड्ढा टकला कहीं का उधर से मार रहा है, तेरी ऐसी की तैसी गंजी बुढ़िया, ये ले। अब तीन हो गई, ये एक तो गायब हो गई, कोई बात नहीं भाई साहब, ये मार रहे हैं मेरे को बीच में ले लेके, बट इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये ले ये। ओ भाई इसने मेरे डंडा मारा, इसको कुल्हाड़ी से काटता हूँ यार, इनको पर तो किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा है, ना तो कुल्हाड़ी का ना किसी चीज़ का। और बुड्ढे कहीं के तू बच, नीले रंग के आदमी तूने ग्रैनी को कैसे हाथ लगाया, हम दोनों तुझे काट कर खा जाएंगे। मुझे काट कर खाने की बात कर रहे हो? अगर ये बात टिप्सन को पता चल गई ना तो भारी गन लेकर खड़ा है, तुमको यहीं पर ही उड़ा देगा वो। अब तेरे ऊपर गन फायरिंग करता हूँ, ये ले। अब बच के दिखा तू मेरे हाथों से, अब मैं भी तो देखो तू कैसे जिंदा होगा, तू लोगों को कैसे किडनैप करेगा। गाइस वो ग्रैंडपा तो गायब हो गया, लगता है मर गया, अभी ग्रैनी रह गई है, तेरी ऐसी की तैसी, चल यहाँ से, उठेगी तू। इसको पर फायरिंग करता हूँ मैं, बट गाइस यहाँ पर ये ग्रैनी फिर से उठ गई है, ये तो मेरे ऊपर अटैक कर रही है, तू उठ कर दिखा तू, इस बार तो तू गई, अब नहीं बचेगी तू। मैंने अपने हाथों में गन ले लिया, फिर से उठ गई, तेरी ऐसी की तैसी, चल नीचे, अब पे नहीं बचेगी तू। इसको पर फायरिंग करता हूँ मैं एकदम खतरनाक वाली, खच 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 खच, और ख़त्म ग्रैनी भी, यहाँ पर सबके सब मर गए गाइस। अब बस मैं जल्दी से जल्दी इस बच्ची को उठाता हूँ, इसको यार यहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं, भाई साहब लगता है बेहोश हो गई, इसको उठाता हूँ, इसको बाहर लेकर चलता हूँ और जल्दी से जल्दी गाड़ी में बिठाता हूँ इसको। टिप्सन इतना गाड़ी ले आया होगा 4 पहियों वाली, उसमें इसको डालकर हम लोग ले चलते हैं। तो गाइस हमने इसको अपनी कार के अंदर डाल लिया है, और देखो अब भाई इसको बचाते बचाते ना यहाँ पर सुबह भी हो चुकी है, तो अब हम लोग इसको यहाँ से लॉस सैंटोस के अंदर लेकर चलते हैं और हॉस्पिटल में दे देंगे इसको, क्या पता भाई उन लोगों ने इसके थोड़ा बहुत चाकू वगैरह मार दिया हो। तो गाइस यार बस आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी यार आज की ये वीडियो आपको? अगर ये वीडियो आपको यार अच्छी लगी है तो जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ, भर दो कमेंट बॉक्स गाइस जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।